अच्छी फिल्म थी सर, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। फिल्म काफ़ी डिसेंट और काफ़ी मतलब मज़ेदार रही फिल्म। मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आया फिल्म के अंदर। दलकीर सलमान की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी थी, सनी देओल की परफॉर्मेंस भी काफ़ी टाइम के बाद, मैंने तो स्क्रीन पर तो काफ़ी टाइम के बाद ही देखी है। सालों पहले स्क्रीन पर देखा था मेरे ख्याल से, मैंने बहुत टाइम हो गया। सिंह साहब द ग्रेट शायद मैंने देखी होगी थिएटर में, उसके बाद से मैंने देखा ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने कई फिल्में की भी हैं बीच में हालांकि, पर मैंने नहीं देखी। तो ये फिल्म मतलब मज़ा आया देख के, सनी देओल को भी वापस स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर मज़ा आया। फिल्म बहुत अच्छी है। देखिए कहानी वहानी थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है, है ना। देखिए आपको हल्की हल्की फुल्की, अगर लोग जो हॉलीवुड देखते हैं, जैसे मुझे जो झलक याद आई, अगर जो हॉलीवुड के दर्शक हैं उनको थोड़ी सी सेवन की झलक आ जाएगी, जो अगर याद कर ब्रैड पिट और इनकी जो फिल्म हुआ करती मॉर्गन फ्रीमैन की, काफ़ी पुरानी फिंचर की फिल्म है वो, अगर आपने देखी तो सेवन, वो उसी की तरफ से थोड़ी सी याद आती है कि वो ना मतलब मर्डर करते जा रहा, कोई निशान बनाता हुआ चला जा रहा है, वो अपने एक तरह से पाप मिटा रहा होता है उसमें, वो सिन सारे मतलब अपने नहीं दूसरों के सिनों को उनको सज़ा दे रहा होता है वाली चीज़। यहाँ क्या स्टार के ऊपर ऐसा सज़ा दे रहा है, मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने उसको देख के बना दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की फिल्म है। लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म के अंदर मज़ा आता है, बढ़िया लगता है। बस थोड़ी सी झलक आती है क्योंकि जिस प्रकार से शरीर को काट के बना रहा है ना, थोड़ा सा आपको सेवन की झलक आती है, और ये उसको ढूंढ रहा है डिटेक्टिव की तरह, जैसे उसमें ब्रैड पिट और ये ढूंढते रहते हैं मॉर्गन फ्रीमैन वगैरह, तो वैसी फीलिंग आती है। लेकिन ये बहुत अच्छी फिल्म है, इंटरेस्ट आता है फिल्म के अंदर, फिल्म में बांध के रखती है, बिल्कुल आगे तक चलती रहती है, इंटरेस्टिंग फिल्म है। लेकिन मैं फिर भी पर्सनली कहीं ना कहीं ये समझता हूँ इस फिल्म को लेकर कि फिल्म मल्टीप्लेक्सेस में ही ज़्यादा कमाई करेगी बजाय सिंगल स्क्रीन के। मैं समझता हूँ सिंगल स्क्रीन का दर्शक इस फिल्म को इतना ज़्यादा नहीं देखेगा, मल्टीप्लेक्स का दर्शक इस फिल्म को ज़्यादा देखेगा, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। सनी देओल और दलकीर सलमान में से किसका काम ज़्यादा? देखिए मुझे तो सच कहूँ तो मैं कंपेयर नहीं किया जा सकता, दोनों कैरेक्टर्स भी अलग तरह के हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इसने ज़्यादा अच्छा किया, उसने ज़्यादा अच्छा किया। उनका काम भी अच्छा है, दलकीर सलमान का काम भी अच्छा, सनी देओल ने तो बढ़िया ही काम किया, साथ में श्रेया धन्वंतरी का काम भी अच्छा है, मुझे उनका भी काम पसंद आया। तो ओवरऑल ये फिल्म परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छी है, आप परफॉर्मेंस वाइज भी इस फिल्म को जाकर देख सकते हो, बिल्कुल रिकमेंडेड है ये फिल्म। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 5 में से मैं समझता हूँ इस फिल्म को मैं 3 स्टार दूंगा, मुझे 3.5-3 स्टार के आसपास दूंगा, मुझे ये फिल्म देखने लायक लगी।